नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरपोर्ट एंड एयरलाइन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट की तरफ से कस्टमर सर्विस एजेंट के पदों पर निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट फॉर्मेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इंडियन एयरपोर्ट की तरफ से कस्टमर सर्विस एजेंट के पदों पर निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में। तो देखिए, यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं जो आपकी करंट ओपनिंग्स रखी गई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको 1086 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज रखी गई है अगर आप एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट के पद के लिए। एंड दोस्तों, एलिजिबिलिटी में यहां पर जो भी कैंडिडेट अपना 10+2 कंप्लीट कर चुका है, वो कैंडिडेट यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। मतलब कि 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एंड एक्सपेक्टेड सैलरी जो आपकी यहां पर रहेगी, 25,000 रुपए से 35,000 रुपए तक मिलने वाली है। सो सैलरी भी आपको यहां पर काफी अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। एंड एज लिमिट जो आपकी रखी गई है 18 से 30 साल रखी गई है। सो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, जेंडर यहां पर एयरपोर्ट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। मतलब कि अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आपकी यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी। 100% आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एग्जाम फीस आपको 350 रुपए यहां पर देनी होगी। जो आपका एक छोटा सा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसको देने के लिए आपको 350 रुपए यहां पर पे करने पड़ेंगे। एंड दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अपना 12वीं क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकता है, चाहे अपने किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया हो। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि आपका एक छोटा सा जो है कैंडिडेट के लिए एक छोटा सा रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। वो रिटन एग्जाम आपको यहां पर क्लियर करना होगा। इसके बाद में जो भी कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई करेंगे, उनको यहां पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड दोस्तों, पर्सनल इंटरव्यू यहां पर आपको जो है यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद में आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर देनी होगी। एंड फाइनल आपको यहां पर सिलेक्शन दिया जाएगा आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद में। एंड एप्लीकेशन फीस आपके यहां पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। एग्जाम फीस आपको यहां पर 350 रुपए जमा करवानी होगी ऑल कैंडिडेट को। एंड इसी के साथ में 25,000 से 35,000 रुपए तक आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि काफी अच्छी खासी सैलरी बनेगी। 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर जरूरी होंगे, तो देखिए, आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसमें आपके पास में आधार कार्ड आपके पास में है तो आप यहां पर लगा दीजिएगा, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आप आईडी प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। एंड आपके पास में क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मतलब कि आपको आपकी मार्कशीट यहां पर लेकर के जानी होगी। पासपोर्ट साइज की फोटो आपको यहां पर लेकर के जानी होगी। अपना सिग्नेचर आपको यहां पर देना होगा, मतलब कि जो भी आपको पेपर दिया जाएगा या फिर जो आपको फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। सो इंपोर्टेंट लिंक्स आपको या फिर इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करें, तो देखिए 31 जुलाई 2023 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं। सो 31 जुलाई से पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट कर लें। एंड हाउ टू अप्लाई के बारे में बात करें कि किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो देखिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एंड अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा ले, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट फॉर्मेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक
तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद दोस्तों।